धार पुलिस के हत्थे एक ऐसा शातिर बदमाश चढ़ा है जो कि फेक कॉल से नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों का रसूख बताकर अधीनस्थ अधिकारियों को धमका रहा था। देखिए इस रिपोर्ट में। आपने अक्सर राजनेताओं और पुलिस के दम पर रसूख झाड़ते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन धार जिले के सागौर पुलिस की हत्थे एक ऐसा बदमाश चढ़ा है जो कि पिछले एक वर्ष से मोबाइल सॉफ्टवेयर की मदद से फेक कॉल कर राजनेताओं और बड़े अधिकारियों के नाम से अधीनस्थ कर्मचारियों को धमका कर अपना काम निकलवा रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो इंदौर से दो नंबर विधायक रमेश मेंदुला के नाम से अक्सर लोगों को फोन पर धमकाता था। सर वो एप्स बहुत सारे एप्स देखे थे सर, फिर कॉल में तो सर वो यादला एप्स अच्छा लगा तो इससे मैंने ट्राई करा सर, सर कुछ भी नहीं मिलता था सर, काम होते भी थे नहीं भी होते थे। 12-13 लोग को लगाए सर, सर हो गए 5-6 महीने। पिपलिया एसपी साहब का और रमेश दादा का बस और इनका ही कैसे। मीडिया से चर्चा में धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और पिछले एक वर्ष से राजनेताओं और अधिकारियों का रसूख बताकर अपने कई काम निकलवा चुका है। सागौर पुलिस के पास एक मामला आया है जिसमें एक ये लड़का है राजपाल सिंह, उम्र 22 वर्ष, पिपलिया गांव थाना सागौर का ही रहने वाला है। इस लड़के की एक्चुअली ये लड़का क्या करता था कि ये फेक ये ऐप इसने एक डाउनलोड कर रखी थी जिससे फेक कॉल करता था और वरिष्ठ अधिकारियों से के नाम से या कई राजनेताओं के नाम से फ़ोन लगाता था और फ़ोन लगा के अपने काम और दूसरे लोगों के काम निकलवाता था। इसके द्वारा कई ऑफिसर्स कई लोगों को फ़ोन करके जो है अलग अलग काम अलग अलग समय पर करवाए गए। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लड़का अभी 3rd ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ये अपने फादर के साथ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ठेकेदारी का काम करता है और अभी इससे पूछताछ जारी है और संभवतः और भी इसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका भी खुलासा हो। देखिए छोटे मोटे काम तो ये लगातार लोगों से कहता रहता था, परंतु जैसे कई नगर पालिका के काम कई RI पटवारी से CMO को और अन्य भी अधिक बड़े अधिकारी जैसे कलेक्टर SP सभी से ये बातचीत करता रहता था और अभी करीब पिछले एक वर्ष से लगातार ये इस प्रकार की घटनाएं कर रहा था। इस पे 420, 419, 468 IT एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है और गिरफ्तार करके पुलिस आगे विवेचना कर रही है। कुल मिलाकर धार पुलिस ने मास्टरमाइंड छात्र को गिरफ्तार कर कई बड़ी वारदातों को होने से रोक लिया। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी से अब तक की गई वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट MP News धार।